अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज जासर। तो आज हम हाजिर हैं नई वीडियो के साथ। जैसा कि एससीईआरटी की तरफ से जो आप लोगों का बच्चों पिछले साल का नुकसान हुआ है, जो पढ़ाई नहीं हुई स्कूल बंद होने से, तो एक ब्रिज कोर्स का जो है यहाँ पे ऐलान किया गया है, जिसको करने के बाद आपका तकरीबन जो लॉस है वो रिकवर होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है। और आप लोगों को 45 दिन में 45 डेज का जो हमारा कोर्स है ब्रिज कोर्स, डेली वन बाय वन, डे बाय डे, यहाँ पे 45 दिन का लेक्चर्स आपको कंटिन्यू चैनल पर हमारे मिल जाएंगे। तो अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हमारा 9th क्लास का ब्रिज कोर्स का डे वन, पहला दिन ब्रिज कोर्स का 9th क्लास के लिए। और एक अच्छी बात ये आप लोगों के लिए कि भाई 8th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स है 8th क्लास के, ये 8th क्लास का ही, जो आप लोग अब 9th में आ गए तो आपका 8th का स्टार्टिंग से क्लास में पढ़ना वगैरह नहीं हुआ, इसलिए ब्रिज कोर्स है। तो 8वीं में जो स्टूडेंट्स है वो भी ये पढ़ सकते हैं, इसको वीडियोस को देख के अपने पास ये कर सकते हैं। और दूसरी बात कि जो 9th के स्टूडेंट्स है, आपने सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, वीडियो देखने के बाद साथ साथ जो है पहले एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, सेकंड टाइम में फिर से प्ले करने के बाद आपने पूरा लिख कर निकालना है अपनी नोटबुक्स में और चेक कराना है। जब भी आपको बुलाया जाएगा स्कूल पे क्लास पर, तो आपने आकर पूरा चेक कराना है, सबके पास फेयर होना चाहिए। और साथ ही क्लास के जो ग्रुप्स है उस पर भी आप सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का हम 9th का आज पहला डे वाला जो है ब्रिज कोर्स का पहला दिन वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे आदात की दुनिया, यानी नंबर वर्ल्ड जिसे हम बोल सकते हैं, नंबर की दुनिया जो होती है, नंबरात की अलग अलग किस्म के होते हैं, जिसका आज हम थोड़ा सा मुताला करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे जुफ्त आदात। जो पहला पॉइंट है हमारा जुफ्त आदात, तो आप लोगों को नेचुरल नंबर्स तो मालूम है, तबई आदात जो एक से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक रहते हैं, ये सबको पता है। अब उसमें जुफ्त आदात जो है, जिसे हम इवन नंबर्स कहते हैं, वो क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी अदद को अगर 2 से तकसीम करेंगे, देखो ध्यान दीजिए कि कोई भी अदद को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, अगर वहां पे बाकी अपना जीरो बचता है, तब हम उस नंबर को बोलेंगे जुफ्त अदद। शॉर्टकट में समझने के लिए बोल सकते जो 2 से कट जाता है, यानी जो 2 के टेबल में पहाड़े में आ सकता, जहां तक भी हो 2 से हम उसको तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उन नंबरात को हम कहते हैं जुफ्त आदात, इवन नंबर्स। मिसाल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये तो 2 का पहाड़ा 20 तक हो गया, उसके आगे भी 22, 24 सब 2 से कैंसिल हो सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तकसीम हो सकते हैं, तो हम ये सब जो है हम इन्हें कहेंगे जुफ्त आदात। क्या कहेंगे बच्चों? जुफ्त आदात, इवन नंबर्स कहेंगे। वेरी गुड, इवन नंबर्स, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो इवन नंबर्स है, 2 का पहाड़ा तो सबको याद है, बचपन से पढ़ रहे सब, तो 2 के पहाड़े को हम आगे भी बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर जो इवन नंबर्स स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये सब इवन नंबर्स है, ठीक है। तो ऐसे ही कितना भी अगर आपको अदद दे दिया जाए तो आप देखकर पहचान सकते हैं ये जुफ्त है या फिर नहीं है। अब इसके अलावा जो बच जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ताख आदात। कौन से कहते हैं बच्चों? ताख आदात। रमजान में ताख रातें आपने सुनी होगी, 21वीं शब, 23वीं शब, 25, 27, 29, ये ताख रातें हैं जिसमें हम शब कदर की तलाश करते हैं, आप लोगों को पता है। ऑड नंबर्स कहेंगे हम इसको इंग्लिश में, ताख आदात को। तो ये क्या है? तो अगर हम किसी नंबर को 2 से तकसीम कर दें और बाकी 1 बचता है, अगर रिमाइंडर में 1 आ जाता है, 1 आ जाता है, अगर हम 2 से तकसीम करने पर, तो वो अदद को हम कहेंगे ऑड नंबर, ताख आदात।
यानी जो दो से पूरा मुकम्मल तकसीम नहीं होता उन्हें हम कह सकते हैं ताहादा ऑड नंबर्स। मिसाल के तौर पे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24 ऐसे चलते जाइए जहां तक भी आप ले सकते हैं तो हम बोलेंगे ये सब क्या है ताहादाद है। ताह पहला दो पहला तीसरा इस तरह से ठीक है। हमारी जो गिनती है एक पहला दूसरा तीसरा एक दो तीन चार इसमें एक तीन पांच ये जो नंबरात है जो दो से तकसीम नहीं होते आपको पता है। अगर हम पांच को तकसीम करना चाहेंगे दो से तो आप क्या करेंगे दो दो ही चार एक बच गया यहां पर तो बाकी में एक आ जा रहा रिमाइंडर तो ये हमारा जो पांच है ये रहेगा ताफ नंबर ताफदत ऑड नंबर कहेंगे हम। आया समझ में। और अगर मुकम्मल हो जा रहा जैसे कि मिसाल के तौर पे 16 अगर हम दो से तकसीम करते हैं 2, 8, 16, 0 अगर 0 आता है तो ये जुफ्त रहेगा अगर 1 आता है बाकी तो ये ऑड रहने के ताफ अदल रहेगा। इस तरह से याद रखना है आप। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो हमारे पास है तकसीम पजीर डिविजिबल तकसीम पजीर। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी भी अदद को किसी दूसरे अदद से तकसीम करते हैं और अगर बाकी सिफर बचता है यानी वो पूरा पूरा तकसीम हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो तकसीम पजीर है डिविजिबल है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम अगर देखें कि भाई मिसाल के तौर पे 12 को तकसीम करना है 4 से 12 को डिवाइड करना है 4 से सो बच्चों हम क्या करेंगे 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तकसीम करेंगे 4 3 12 रिमेनिंग क्या आ गया रिमाइंडर 0 बाकी बच गया सिफर तो हम कहेंगे कि ये जो 12 है ये तकसीम पजीर है यानी 4 से क्या है ये डिविजिबल है 12 इज डिविजिबल बाय 4 ये 4 से तकसीम पजीर है। तो इसी तरह बहुत सारी मिसालें आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए 20 को डिवाइड कीजिए 5 से 20 को डिवाइड कीजिए 5 से तो आप कहेंगे 5 4 20 पूरा कंप्लीट हो गया तो हम बोलेंगे इट इज डिविजिबल बाय 5 यानी ये 20 जो है 5 से तकसीम पजीर है। इस तरह से आप बोल सकते हैं तकसीम पजीर यानी जो तकसीम हो सकता है। और अगर आपको कहा जाए जैसे कि मैंने बोला 23 को 5 से तकसीम कीजिए तो अब आप बोलेंगे 5 के टेबल में तो 23 आता ही नहीं तो हम बोलेंगे 23 5 से तकसीम पजीर नहीं है क्योंकि तय नहीं कट सकता तो जो कैंसिल होगा जो डिवाइड होगा कंप्लीट डिवाइड होगा मुकम्मल तौर पर तकसीम होगा उसे हम कहेंगे तकसीम पजीर। और जिससे जिसके जरिए तकसीम होगा उसे हम कहेंगे उसका आद क्या कहेंगे बच्चों आद डिवाइजर जिसे हम कह सकते हैं। यहीं पर अगर हम मिसाल ले लेंगे तो हम बोलेंगे ये जो 4 है ये है 12 का डिवाइजर यानी 12 का क्या है ये आद है आद है यानी कि 4 के पहाड़े में 12 आता इसलिए हम इसे कहेंगे इसका आद या फिर डिवाइजर। तो बहुत ही आसान है मश्क ये जनरली बहुत ही आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए जैसे कि हमने पहले जुफ्त कहा जो दो के पहाड़े में आते हैं दो से तकसीम होते हैं है ना जिसे तकसीम अगर दो से कर दिया जाए तो बाकी में सिफर आता है उसे जुफ्त कहते हैं और जिसमें अगर 1 आएगा बाकी में तो उससे ताक कहते हैं जो दो के पहाड़े में तकसीम नहीं होते दो से डिवाइड नहीं होते। और तकसीम पजीर में हमने देखा कि अगर कोई अदद किसी दूसरे अदद से मुकम्मल तकसीम हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे कि वो तकसीम पजीर है और जिस अदद से उसको हम तकसीम कर रहे हैं उसे कहेंगे उसका आद यानी उसका डिवाइजर। ये तो हो गए कुछ बेसिक पॉइंट्स। इसके बाद जो हमारे पास टाइप है बच्चों वो है प्राइम नंबर्स। याद रखिए प्राइम नंबर्स। मिसाल आपके समझने के लिए सामने अगर मैं बता दूं जुफ्त आदाद को हम लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट 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 आगे चलते रहेगा जहां तक आपका दिल बोला आप लिख सकते हो। नेक्स्ट ताफ आदाद की जब बात करेंगे 1, 3, 5, 7 डॉट 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 आगे तक चलता रहेगा। सिमिलरली तकसीम पजीर को हमने कहा अभी अभी जैसे मिसाल आपको बताया कि अगर 12
डिवाइड करते हैं 4 से तो हम तकसीम पजीर बोलेंगे 12 को, 12 4 से डिविजिबल है यानी 12 4 से तकसीम पजीर है। और इसी मिसाल में अगर हम देखें डिवाइजर किसे कहेंगे तो ये जो 4 है इसे हम कहेंगे आद डिवाइजर, ठीक है ये मिसाल। साथ ही जो अगला पॉइंट है हमारा मुफर्रद आदाद प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो बच्चों मुफर्रद आदाद उन आदाद को हम बोलेंगे, प्राइम नंबर मींस वो नंबर्स जो किसी से तकसीम नहीं होते, किसी और के टेबल में नहीं आते, मुकम्मल हम उन्हें तकसीम नहीं कर सकते, ठीक है। सो हम किसी भी दूसरे नंबर से उन्हें कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे प्राइम नंबर्स। क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स, मुफर्रद आदाद जिसे हम कहेंगे। शुरुआत कहां से होगी याद रखिए एक पॉइंट स्पेशली, 2 से स्टार्ट करेंगे इसको हम, 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद बोलिए क्या आएगा, 7 के बाद कमेंट कीजिए फास्ट, 7 के बाद क्या आएगा? हाँ तो जो बच्चों ने कहा 9 तो वो हो जाएगा गलत, क्योंकि आपको मालूम है 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 9 तो 9 प्राइम नंबर नहीं होगा, मुफर्रद होगा क्या? नहीं होगा। तो इसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा 11 13 15 भी नहीं आएगा, वेरी गुड। तो 5 के पहाड़े में चूंकि 15 आता है इसलिए हम 15 को मुफर्रद नहीं कहेंगे। तो कंडीशन याद रखना है आपने कि भाई किसी और के पहाड़े में वो नहीं आना, सिर्फ खुद के टेबल में, खुद के टेबल में 2 2 1 2 3 1 3 5 1 5 7 1 7 इस तरह से होना चाहिए। तो याद रखिए जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है, दूसरों के टेबल में नहीं आते हैं, उन्हें हम कहेंगे मुफर्रद आदाद। क्या कहेंगे बच्चों? मुफर्रद आदाद यानी के प्राइम नंबर। इसी तरह हमारे पास हमारे अगला पॉइंट है मुरक्कब आदाद जिसे हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। और आखिरी हमारा जो आज का डे वन का पॉइंट है मुरक्कब आदाद कंपोजिट नंबर, यानी जो खुद के पहाड़े में तो आते ही लेकिन किसी और के पहाड़े में भी आते हैं, किसी और से भी डिवाइड होते हैं, यानी कि इनके आद एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बोलेंगे 4 स्टार्ट जो होंगे ये 4 से स्टार्ट होंगे, 4 6 8 8 के बाद क्या आएगा कमेंट में बोलिए फास्ट। ओके 8 के बाद आएगा 9 क्योंकि 3 के पहाड़े में आता है 9, 3 3 9 तो जो इधर मुफर्रद में नहीं है वो इधर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। यानी किसी और के पहाड़े में भी आते हैं, खुद के पहाड़े में तो होते ही है, तो उन्हें हम मुरक्कब कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स जो किसी और के टेबल में भी आएंगे, किसी और से भी डिवाइड हम उसे कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो वो प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। बहुत ही आसान है। इसके बाद आ जाएगा डायरेक्टली 10 12 14 15, यस 15 भी आएगा क्योंकि 5 के पहाड़े में 15 आता है, 3 के पहाड़े में 15, इस तरह से। तो बहुत ही आसानी से हमने सब तमाम पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लिया है। अब ये जो हमने पढ़ा है इसी पे आपको एक जो है मश्क हम करने के लिए देंगे, एक स्वाध्याय जिसे हम होमवर्क के तौर पे दिया जाएगा, आपने वो होमवर्क कंप्लीट करना है और ग्रुप में सेंड करना है। और बच्चों जो तुलबा आपके क्लासमेट है, जो जो आपके दोस्त है जो 9th क्लास में है, सभी को इन इसके बारे में जानकारी देना है ब्रिज कोर्स के ताल्लुक से कि सबने अपना अपना होमवर्क कंप्लीट रोज का रोज करना है। डेली आपको एक लेक्चर हमारा हर दिन के साथ साथ प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं टीचर से, ग्रुप में बोल सकते हैं। और इसके बाद आपको अलग से टेस्ट भी लिया जाएगा। तो कंटिन्यू डेली का डेली प्रैक्टिस कीजिए, फिर कंप्लीट याद से करना है नोटबुक सबने, तो आपका जो तालीमी नुकसान है उसकी भरपाई मुकम्मल हो जाएगी। इसी के साथ ये जो आगे होमवर्क है इसका मैं अभी आपके सामने भेज दूंगा, होमवर्क को अच्छे से देख लीजिए, हुआ तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और फिर बाद में आप उसको फिर नोटबुक में क्वेश्चन के साथ जवाब भी
लिख लेना है, ठीक है। चलिए तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज। रिमेंबर दिस, वन इज नॉट ए प्राइम नंबर। याद रखना है बच्चों के वन जो है हमारा प्राइम नंबर नहीं है, मुफर्रद अदद नहीं है एक जो होता है, ना ही ये मुरक्कब है, इट इज़ नॉट ए कंपोजिट नंबर, ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम नंबर है। ऐसा अदद कौन सा है? वन। ओके, और तीसरा जो पॉइंट याद रखना है आपको, टू इज़ ए नंबर विच इज़ इवन एज वेल एज प्राइम, यानी जो दो है हमारा टू वो इवन है क्योंकि दो से ही शुरू होते हैं, इवन हमारे जो जुफ्त अदद है, और वो साथ साथ एक मुफर्रद भी है, यानी सिर्फ ख़ुद के टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता, किसी और से तकसीम नहीं होता। तो इस तरह से ये बातें भी याद रखना है। अगर सवाल दिया जाए तो आपने लिखना है एक ना ही प्राइम है मुफर्रद है ना ही मुरक्कब है कंपोजिट है, और तीसरा जो पॉइंट बोले हमने दो, ये एक ऐसा नंबर है जो कि जुफ्त भी है और मुफर्रद भी है, ठीक है। तो चलिए होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। तो होमवर्क डे वन का आपके सामने है, सवाल नंबर एक इंग्लिश में और उर्दू में दोनों में भी दिया हुआ है। सेमी वाले इंग्लिश वाले क्वेश्चंस करेंगे, उर्दू वाले उर्दू के। सवाल नंबर एक जो है, एक से 25 तक तमाम जुफ्त अदाद लिखिए, राइट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। क्वेश्चन नंबर टू है, 25 से 50 तक तमाम ताख अदाद लिखिए, राइट ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 25 to 50। सवाल नंबर तीन है, ऐसा कौन सा अदद है जो जुफ्त भी है और मुफर्रद भी है? खुद से जगह है जवाब आपने, राइट डाउन द नंबर विच इज़ इवन एज वेल एज प्राइम, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव है, 24 के तमाम आद लिखिए, यानी राइट डाउन ऑल डिवाइजर्स ऑफ 24, 24 के तमाम डिवाइजर्स लिखना है, आद लिखना है, जितने भी पॉसिबल होते हैं, यानी जितनों के टेबल में 24 आता है सब लिखना है। सवाल नंबर छः है, 19 के तमाम आद लिखिए, और ये 19 ये मुफर्रद अदद है या मुरक्कब बताइए, राइट ऑल डिवाइजर्स ऑफ 19 एंड डिसाइड 19 इज़ अ प्राइम नंबर और इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ये प्रूफ करना है, मतलब बताना है आपको क्या है। और लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स डिविजिबल बाय 7, यानी 7 से तकसीम पजीर 3 आदाद लिखिए, ऐसे 3 आदाद लिखना है जिनको 7 से हम तकसीम कर सकते, मुकम्मल तौर पर वो तकसीम हो सकता, उसी को हम तकसीम पजीर कहते हैं। तो होमवर्क लिखने के बाद बच्चों आप सब ने होमवर्क को सेंड करना है ग्रुप में, ठीक है। चलिए तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।